बायोग्राफी ऑफ अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे एक भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री हैं। उन्होंने 2009 में जी टीवी के सीरियल पवित्र रिश्ता से हिंदी सीरियल में मुख्य किरदार को अभिनय के रूप में शुरुआत की थी। अंकिता भारत में सबसे अधिक महंगी हिंदी टेलीविज़न अभिनेत्रियों में से एक हैं। अंकिता ने इस सीरियल के बाद सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में भाग लिया था। अंकिता के अभिनय के वैसे तो लाखों फैंस पहले से मौजूद ही थे, लेकिन जब से अंकिता ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया तब से तो अंकिता लोखंडे को करोड़ों की मात्रा में लोगों का प्यार मिलने लगा। अंकिता ने अपनी पहली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई के किरदार का अभिनय किया था। अंकिता की पहली फिल्म ही इतना सफल हो गई कि आगे आने वाले समय में अंकिता कई और बड़ी फिल्मों में दिखने वाली हैं, और ऐसा उनके फैंस का कहना है। अभी फिलहाल अंकिता लोखंडे टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में नजर आई थी। अंकिता लोखंडे के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो अंकिता लोखंडे का जन्म 19 दिसंबर 1984 को इंदौर में हुआ था। अंकिता महाराष्ट्रीयन परिवार से रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम शशिकांत लोखंडे है, जो पेशे से एक बैंकर हैं, और उनकी माँ का नाम वंदना फाडनिस लोखंडे, जो कि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं। उनका एक छोटा भाई है और एक बहन। भाई का नाम स्वराज लोखंडे है और बहन का नाम ज्योति लोखंडे है। अंकिता को बचपन से ही अभिनय का शौक था। अंकिता ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई इंदौर से ही पूरी की है। 2005 में स्कूल और कॉलेज में अभिनय करने के बाद उन्होंने इंदौर छोड़ दिया और अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई चली गई थी। अंकिता को बैडमिंटन खेलना बेहद पसंद था और इसलिए वह अपने कॉलेज के समय में स्टेट लेवल बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। अंकिता ने 2009 से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और बहुत ही जल्द लोकप्रियता हासिल करके खुद को टॉप टीवी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर लिया था। अंकिता लोखंडे के शो पवित्र रिश्ता में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था। अंकिता लोखंडे ने शुरू में अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत 2006 में टैलेंट हंट रियलिटी शो आइडिया जी सिनेस्टार में एक कंटेस्टेंट के रूप में किया था। इसकी मदद में अंकिता ने कैमरा का सामना शुरू किया था। 2009 में अंकिता लोखंडे ने एकता कपूर की रोमांटिक ड्रामा सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए काम करना शुरू किया था। यह सीरियल जी टीवी पर दर्शाया जाता था। यह सीरियल में उनके किरदार का नाम अर्चना था, जो कि मुंबई की में एक मिडिल क्लास परिवार में रहने वाली लड़की थी। यह सीरियल को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सराहा। यह सीरियल टीवी पर 2009 से 2014 तक दर्शाया जाता रहा। यह सीरियल में अंकिता ने बेटी से लेकर दादी तक का किरदार अभिनय किया था। इस सीरियल की सफलता की वजह से ही जनता ने अंकिता और सुशांत को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। अंकिता ने 2011 में सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 4 में भाग लिया था। उसी साल अंकिता ने कपिल शर्मा के साथ एक और रियलिटी शो कॉमेडी सर्कस में भी भाग लिया था। 2013 में अंकिता ने फिल्म एक थी डायन के प्रमोशन के लिए एकता कपूर द्वारा बनाई गई मिनी सीरीज एक थी नायिका में भी हिस्सा लिया था। इस मिनी सीरीज में अंकिता लोखंडे ने प्रज्ञा का किरदार अभिनय किया था। इस सीरीज को लाइफ ओके चैनल पर दर्शाया जाता था, जो कि मार्च और अप्रैल 2013 तक चलता रहा। इस सीरीज को टोटल 16 एपिसोड्स बनाए गए थे। इस सीरीज के बाद अंकिता 2018 में कलर्स के सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की कि दो एपिसोड में दिखाई दी थी। अंकिता ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सीरियल में डांस परफॉर्मेंस दी थी। हाल ही में उनको कलर्स के रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी देखा गया था। अंकिता इस शो में अपने दोस्त रश्मि देसाई को सपोर्ट करती दिखी थी। अंकिता लोखंडे ने फिल्मी दौर की बात करें तो अंकिता ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई के किरदार में अभिनय किया था। यह फिल्म अंकिता लोखंडे की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में पहले अंकिता का नाम 2016 की फिल्म पद्मावत के साथ जुड़ा था। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अंकिता को इस फिल्म में काम करने का अवसर दिया था, जिसे अंकिता ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह फिलहाल फिल्मों में डेब्यू करने के लिए तैयार नहीं है। 2017 में कुछ और खबरें आई थीं कि अंकिता लोखंडे को डायरेक्टर गिरीश मालिक की फिल्म तुरसबाज में संजय दत्त के साथ साइन किया है। बाद में गिरीश मालिक ने इस खबर के बारे में संजय दत्त के अलावा किसी और को भी अभी तक इस फिल्म में साइन नहीं किया है और ना ही किसी फीमेल एक्ट्रेस को इस फिल्म में के लिए बात हुई है। 2019 में अंकिता लोखंडे के फैंस बहुत खुश थे, क्योंकि लगभग 4 से 5 सालों के बाद अंकिता को फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में देखा गया।
इस फिल्म में अंकिता लोखंडे के किरदार को बहुत पसंद किया गया। आने वाले समय में अंकिता लोखंडे ने बहुत ही सारे फिल्मों को साइन किया है। अभी हाल ही में उन्होंने टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में देखा गया था, जहां श्रद्धा कपूर की बहन का किरदार अभिनय करते वो नजर आई थी। उनके किरदार का नाम नमिता शंकर बताया गया था। अंकिता लोखंडे के बारे में अगर हम बात करें तो अभिनय किए गए 2019 हिंदी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई का किरदार उन्होंने निभाया। 2020 में बागी 3 में किरदार निभाया। पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो 2010 में बुरो प्लस गोल्ड अवार्ड्स में सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए गोल्ड डेब्यू इन फीमेल रोल में उन्हें अवार्ड मिला। 2010 में इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड्स में सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए ग्रेट फेस ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड जीता। 2011 में बोरो प्लस गोल्ड अवार्ड में सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल का अवार्ड मिला। 2011 में स्टार गिल्ड अवार्ड्स में सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला। दोस्तों, इस तरीके से अंकिता लोखंडे को बहुत ही सारे अवार्ड से सराहा गया है। तो दोस्तों, अंकिता लोखंडे की अगर हम बात करें, लव लाइफ के बारे में बात करें, तो उन्होंने अपने पहले सीरियल पवित्र रिश्ता के को स्टार सुशांत सिंह राजपूत को 2010 से 16 तक डेट किया था। दोनों लगभग 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। 2016 में दोनों अलग होने का फैसला किया और अलग हो भी गए। सुशांत से ब्रेकअप के बाद अंकिता फिलहाल बिजनेसमैन विकी जैन को डेट कर रही हैं। अंकिता को कॉस्ट की कंट्रोवर्सी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बार अपने ही बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को एक पार्टी में सबके सामने थप्पड़ मारा था, क्योंकि वो शराब पीकर आसपास के लड़कियों के साथ नाच रहे थे। इसके अलावा अंकिता की शुरुआती दौर में अंकिता को अपने सेट पर ताने भी मिलते रहते थे कि वो अनप्रोफेशनल नहीं है। अंकिता की पहली सैलरी 10,000 रुपये ही थी और आज अंकिता लोखंडे हर एपिसोड को शूट करने के लिए 1,15,000 से भी ज़्यादा चार्ज करती हैं। ये उन चुनिंदा एक्ट्रेस में शामिल हैं जिनकी फीस सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अंकिता को फिल्म सुल्तान में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, लेकिन यहाँ अनुष्का ने बाजी मार ली थी। शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में भी अंकिता के होने की संभावनाएँ पूरी थी, लेकिन यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने बाजी मार ली थी। अंकिता की पसंदीदा चीज़ों की अगर हम बात करें तो अंकिता को खाने में भिंडी, दाल फ्राई, बटर चिकन पसंद है। अंकिता के फेवरेट एक्टर पॉल वॉकर हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित हैं। अंकिता का पसंदीदा रंग सफ़ेद है। अंकिता को लद्दाख में घूमना बेहद पसंद है और अंकिता फिलहाल टीवी सीरियल को में काम करने का मन नहीं है और वो आगे मूवीज़ में काम करना चाहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल GRS टेक्निकल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।